श्रीनाथ जी गुरु जी को लखादेश, माँ भगवती को लखादेश, रांची वाले भैरव बाबा को लखादेश, आप सभी को आदेश आदेश। लक्ष्मी प्रतंगिरा मंत्र, इसको अघोर लक्ष्मी प्रतंगिरा मंत्र भी बोलते हैं। ये दक्षिण मार्ग का अघोर मंत्र है। मूलभूत रूप से इसकी भाषा जो है वो संस्कृत है, लेकिन ये अघोर में प्रयोग होने वाला विधान है। प्रतंगिरा देवी का जो पूजा है, प्रतंगिरा देवी की जो साधना है, वो एक आम साधक नहीं करता। वो जब भी करेगा वो अघोर या तांत्रिक साधक करेगा। और जो ये विधान, जो नियम, जो मंत्र मैं देने जा रहा हूँ, ये एक बहुत ही आम नियम है जो लगभग सभी तांत्रिक, सभी साधक जानते हैं, लेकिन आम गृहस्थ इस मंत्र से अछूते रहते हैं। और मंत्र जान जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि इसका विधान नहीं जानते। जैसा मैंने आपको बताया कि ये दक्षिण मार्ग का एक साधना है, दक्षिण मार्गीय साधना है, तो इसमें थोड़ा नियम है, थोड़ा कानून है। साबर मंत्र की तरह नहीं है कि पूजा का पूरा आपने व्यवस्था कर लिया और उसके बाद मंत्र को जापने लगे। आपको जो हृदय न्यास है, जो ऋषि न्यास है, ये सब करना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे करना है ये साधना? सबसे पहले समझ लीजिए, प्रतंगिरा जो होती है वो विपरीत शक्ति को कहा जाता है। जब लक्ष्मी प्रतंगिरा का आप साधना करते हैं, तो आप हर उस शक्ति का विरोध करते हैं जो शक्ति आपके घर में लक्ष्मी के आगमन पर रोक लगाती है। और जब अघोर लक्ष्मी प्रतंगिरा मंत्र है, इसका मतलब ये है कि इससे शक्तिशाली कोई भी विद्या आप नहीं चला सकते हैं अपने घर में लक्ष्मी के आगमन के लिए, या फिर ऐसी कोई शक्ति जो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन रोक रही हो उसको वापस भेजने के लिए। ठीक है, तो कितने भी घोर दरिद्रता में आप हों, कितना भी प्रयत्न करके लक्ष्मी का आगमन आपके पास ना हो, इस साधना को आंख बंद करके मेरे भरोसे कर लीजिए। ठीक है, और आपको जो है इसका अनंत लाभ होगा। कितने दिन तक आप इस साधना को कीजिएगा? 21 दिन तक करिएगा। ठीक है, बहुत जगह पर आप देखिएगा, बहुत सारे जो किताबों में इसका उल्लेख है तो उसमें ये बोलते हैं कि 7 दिन आप साधना कीजिए, लेकिन हमारे हिसाब से 7 दिन में साधना पूर्ण नहीं हो पाती है। ये हमने करके देखा, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपका जो आसन होगा वो लाल कमल का होगा। जिस माला पर आप जाप करेंगे वो स्फटिक की माला होगा। आपको पश्चिम की ओर देख करके जाप करना है। पश्चिम, जैसा हमने पहले भी बताया है, वो लक्ष्मी का दिशा होता है। वहाँ भगवती की जब भी पूजा होती है तो लक्ष्मी के रूप में ही होती है। ठीक, दीपक जो है वो घी का होगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर अष्ट लक्ष्मी को मानते हैं तो 8 दीपक आप जलाएंगे घी का। और सर्वोत्तम ये रहेगा कि चाहे तो ऐसे जगह से आप घी खरीदें जो कि बिल्कुल शुद्ध घी देता हो, आपको उसको उससे प्रमाण मानने की आवश्यकता ना हो। आजकल ऑनलाइन ऑर्गेनिक घी आती है, उसमें थोड़ा शुद्धता आप मान सकते हैं, लेकिन जो पूजा दुकान पर घी मिलता है पूजा के लिए सस्ता घी, वो कतई प्रयोग ना करें। ठीक है, इसके अलावा जो पंच पूजा में सामान लगना है वो फल फूल आप ले लें, मिठाई ले लें, ठीक है, रक्त चंदन ले लें, ठीक, और लाल कनेर का फूल ले लें। सर्वप्रथम लाल कनेर का फूल रख करके उसको भगवती मानेंगे कि भगवती मैं आपको स्थान देता हूँ, उस पर फिर रक्त चंदन लगाएंगे, बाकी फूल माला उसके आसपास जो है आप सजा देंगे, उसके सामने जो है ये दीपक जलाएंगे। ये साधना आप दिन में किसी भी पहर में कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 21 दिन तक स्थान और जो पहर है, जो समय है, वो एक ही रहे। ठीक है, रोज़ आप इसका 5 माला जाप करेंगे। सबसे पहले जब पूरा आपने व्यवस्था कर लिया, इसका ऐसे तो व्यवस्था बहुत छोटा है, परंतु अगर आपने व्यवस्था इसका कर लिया, एक चौकी पर कर लिया या अपने पूजा स्थान पर कर लिया, उसके बाद हाथ में जल लेंगे, ठीक है, और विनियोग करेंगे। क्या है विनियोग? ओम अस्य श्री लक्ष्मी प्रतंगिरा महामंत्रस्य आनंद कर्दम चिक्लित अघोरी खप्पर चतुर्ऋषि ब्रह्मणि जगती छंदः सर्वसंपत् प्रदायति श्री लक्ष्मी प्रतंगिरा देवता श्रृंग बीजम श्रृंग शक्ति श्रह कीलकम सर्व सिद्धार्थ जपे विनयोग। ऐसा बोल करके जल आप छिड़क देंगे तो विनयोग हो जाएगा। उसके बाद कर्ण्यास करेंगे।
कर्न्यास का विधान आप लोगों को हमने कई बार बताया है। पहला पहला जो कर्न्यास होता है वो अंगूठे का होता है, उसमें तर्जनी से आप अंगूठे के मूल से लेकर के उसका जो अग्रभाग है उसको छूते हैं, और बाकी उंगलियों को जो है आप अंगूठे से छूते हैं उनके मूल से लेकर के उनके अग्रभाग तक। तो श्रृंग अंगुष्ठाभ्याम नमः, श्रृंग तर्जनीभ्याम नमः, श्रम मध्यभ्याम नमः, बाकी तो ध्यान है, सिर्फ बीज अक्षर का ध्यान रखें। श्राम अनामिकाभ्याम नमः, श्रह कनिष्ठकाभ्याम नमः, श्रौम करतल कर्पृष्ठाभ्याम नमः। इसमें दोनों हाथों को एक हाथ मतलब दोनों हाथों को परस्पर स्पर्श करते हैं, जैसे आप हाथ धोते समय करते हैं। फिर अंग न्यास करेंगे, श्रृंग हृदयाय नमः, तो अपने दाहिने हाथ से हृदय का स्पर्श करेंगे, और जो ऐसे जैसे मैं आप बताता जाऊंगा उस तरीके से उस अंग का स्पर्श करेंगे। उसके बाद श्रृंग सिर से स्वाहा, श्रम शिखाया वसटा, तो शिखा का स्पर्श करेंगे। श्राम कवचाय हूँ, दाहिने हाथ को बाएं कंधे पे, बाएं हाथ को दाहिने कंधे पे। श्रम नेत्राय वसौट, तो इसमें क्या करते हैं, मध्यमा से त्रिनेत्र को दाबते हैं, और जो हमारा अगल बगल की उंगलियां हैं मतलब तर्जनी और अनामिका से जो है दोनों नेत्र को ढकते हैं, ठीक है। उसका श्रौंग अस्त्राय फट, तो श्रौंग अस्त्राय फट में जैसे हम लोग हर बार अस्त्राय फट में क्या करते हैं, सर के ऊपर से दाहिने हाथ को 3 बार घुमाते हैं, 3 बार चुटकी बजाते हैं, और फिर जो है दो दो उंगली से मतलब तर्जनी और मध्यमा से बाएं हाथ पर जो है हम इस तरीके से ताली बजाते हैं, तो ये हो गया अस्त्राय फट, ठीक है। उसके बाद भूर्वस्वः बोल करके अपना जो चारों दिशा है उसको आप जगा लेंगे, ठीक। फिर ध्यान करेंगे, भगवती प्रतंगिरे का ध्यान तो आपके हृदय में होना चाहिए, ठीक है। प्रतंगिरे का रूप जो है वो सिंह वाला है, सिंह पे सवारी भी करती हैं, और क्योंकि लक्ष्मी प्रतंगिरा है तो ये काफ़ी जो है सोने चांदी आभूषणों से विभूषित रहती है और मधुर मुस्कान बिखेरते रहती है। तो हृदय में इनका ध्यान करते हुए आप लक्ष्मी रहस्य विद्या बोधेन्लंकारः अवलम तजनी निरंकारः निर्लेपिनी दारिहि दारिद्र निर्मूलिनी देवी प्रतंगिरा लक्ष्मी माता महिमा विन्ति महाऐश्वर्यम देहि देहि माता। अगर नहीं बोल पाएंगे तो सिर्फ ध्यान करके महाऐश्वर्यम देहि देहि माता इतना बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद मूल जाप पर आएंगे। इस जाप को हम लोग मैं आपको 3 बार बताऊंगा। इस जाप को मैं जब 3 बार बताऊं तो आप समझ लीजिए, ऐसे भी जिस जाप को मैं 3 बार बताता हूं तो उसका आपको अधिकार होता है मेरे तरफ से, ठीक है। मंत्र सुनिए, ओम श्रृंग श्रृंग स्वरूपिणी, श्रम श्रह श्रौम श्रृंग शरणी, श्रह श्रृंग श्रह श्रौम श्रृंग श्रृंग लक्ष्मी, श्रृंग ओम श्रृंग ओम श्रृंग लक्ष्मी प्रतंगिरे, ह्रौं क्रौं श्रृंग श्रृंग हुम फट स्वाहा। लंबा मंत्र है, बीज अक्षर पर ध्यान देंगे, गौकार लेकर के हर मंत्र का अंत में हम उच्चारण करेंगे। ओम श्रृंग श्रृंग स्वरूपिणी, श्रम श्रह श्रौम श्रृंग शिक्षरणी, श्रह श्रृंग श्रह श्रौम श्रृंग श्रृंग लक्ष्मी, श्रृंग ओम श्रृंग ओम श्रृंग लक्ष्मी प्रतंगिरे, ह्रौं क्रौं श्रृंग श्रृंग हुम फट स्वाहा। तीसरी बार सुनिए, ओम श्रृंग श्रृंग स्वरूपिणी, श्रम श्रह श्रौं श्रृंग शरणी, श्रह श्रृंग श्रह श्रौं श्रृंग श्रृंग लक्ष्मी, श्रृंग ओम श्रृंग ओम श्रृंग लक्ष्मी प्रतंगिरे, ह्रौं क्रौं श्रृंग श्रृंग हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का 5 माला जाप करेंगे आप 21 दिनों तक, ठीक है, विधि पूर्वक। इतना करने से इस मंत्र की सिद्धि आपको हो जाएगी पहले चरण की। पूर्ण सिद्धि के लिए अगर इस पूरे प्रक्रिया को आप 7 महीने तक कर सकते हैं तो उसको करिए। 21 दिन बाद इतना ज़रूर होगा कि जो धन बिल्कुल नहीं आ रहा था, वो जो आय का स्रोत रुका हुआ था, वो किसी जादू के चलते हो या किसी ग्रह का मार हो या पूर्व जन्म के कर्म हो, कुछ भी हो, किसी भी कारण से वो धन का मार्ग खुल जाएगा। 7 महीने के बाद तो आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। भगवान रांची वाले भैरव बाबा आप सभी को
को बहुत धनाढ्य बनाए, ऐसे मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश। देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंगजम् व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम्।